गाइस, क्या आपने ट्रेन से ट्रेवल करते समय उस पर बनी अलग अलग कलर की धारियों पर ध्यान दिया है? अगर नहीं दिया तो मैं आज इसको आपको रीजन बताने जा रहा हूँ। आखिर वो धारियों का मतलब क्या होता है? ज्यादातर ट्रेनों में आप उस धारियों को सफेद और पीले रंग में ही पाएंगे, लेकिन उस सफेद और पीले रंग का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। ट्रेन न केवल परिवहन का एक साधन है, बल्कि ये व्यक्तियों को जोड़ता है, उन्हें रोजगार और वस्तुओं जैसे बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। हम हमेशा इन धारियों को देखकर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए बनी होगी। इन धारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अलग कलर के कोचों की अलग कलर की धारियां होती है और उन सबका अपना अपना एक महत्व है। नंबर वन, ब्लू कोच में सफेद धारियां। अगर किसी ब्लू कलर के कोच पर सफेद धारियां बनी है तो इसका मतलब यह है कि बिना रिजर्वेशन वाला सेकंड क्लास का कोच है वो। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो इन धारियों के जरिए पैसेंजर जनरल के डिब्बे को पहचान लेते हैं। नंबर टू, नीले और लाल कोच में पीली धारियां। नीले और लाल कोच में चौड़ी पीली धारियों को ये दर्शाने के लिए चित्रित किया जाता है कि कोचों का उपयोग बीमारी या शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए किया जा रहा है। नंबर तीन, ग्रे कोच में हरी धारियां। ग्रे कोच में सिर्फ महिलाओं के प्रवेश की अनुमति होती है, इन पर हरी रंग की धारियां बनी होती हैं। नंबर फोर, ग्रे कोच में लाल धारियां। ईमू और मीमू ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को ग्रे कोच पर बनी लाल धारियों से पहचाना जाता है। तो गाइज, ये थे कुछ कलर के धारियां जिससे आप पहचान सकते हैं कौन सा डिब्बा किस चीज के लिए बना है। गाइज, इस तरह से भारतीय रेल सिस्टम यात्रियों के लिए ट्रेनों के बारे में जानकारी को समझने में आसान बनाने के लिए इन धारियों सहित कई प्रतीकों का उपयोग करता है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।